किसी भी इलाके के विकास और सत्ता के केंद्रों से उसकी दूरी के बीच एक गहरा संबंध है। इसी कारण देश के हजारों शहर और लाखों गांव विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। ऐसे इलाकों के विकास का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं उड़ीसा के नवरंगपुर ज़िले में, जहां इसी साल की शुरुआत में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने किसानों और बाज़ार के बीच की दूरी को ख़त्म करने का एक फॉर्मूला दिया। उड़ीसा में नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन होता है, तो उधर मंडियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स ट्रेडर्स के थ्रू ही, लोकल ट्रेडर्स के थ्रू ही बिक्री करते थे। तो इस बार हमने NCDX के साथ टाई अप करके तीन जगह, झरीगाँ और रायगढ़ और उमरकोट में, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगाए थे और मीटिंग करी थी बायर्स के साथ, जो मैंने मेज के यूज़र्स हैं उनके साथ मीटिंग करी थी कि वो आके एक टाइम में खरीद जाए। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, 170 मेट्रिक टन के करीब मक्का वहाँ पे बिक्री हुआ है और उसको हम इस साल और उसको बढ़ाएंगे। हम ये भी चाहते हैं जैसे फार्मर्स के ग्रुप्स बना के वो एग्रीगेट कर पाएँ और थोड़ा सा सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल अपने लेवल पे कर पाएँ, सो दैट बायर्स को भी सुविधा हो और ये भी और प्राइस फास्ट। ये उड़ीसा राज्य का नवरंगपुर ज़िला है जो छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा है। करीब 12.25 लाख जनसंख्या वाला ये जिला कई मायनों में अभी विकास की बयार से अछूता है। यहाँ से सबसे नजदीक बड़ा शहर रायपुर है जो करीब 250 किलोमीटर दूर है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चारामूला कुसुम है जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिन में केवल एक ट्रेन है जो स्टेशन से होते हुए राज्य की राजधानी भुवनेश्वर तक पहुँचती है। इन परिस्थितियों में नवरंगपुर का किसान उस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा लाचार पाता है जब उसकी फसल पकने के बाद बिकने को तैयार होती है। 200, 250 या 300 किलोमीटर दूर मौजूद बड़ी मंडियों में अपनी फसल लेकर जाना उसके लिए मुश्किल या शायद नामुमकिन सा सपना होता है और ऐसे हालात में वो बड़े कारोबारियों के रहमो करम पर आ जाता है। ज्यादा कारोबारी छत्तीसगढ़, खासकर रायपुर से आते हैं और मनमानी शर्तों और कीमतों पर किसानों के खून पसीने की कमाई ले जाते हैं। आगे से यहाँ से 10-8 व्यापारी है, वो जो रेट बताता था उसको हमें बेच दिया था मक्का, क्यों यहाँ मंडी का फैसिलिटी नहीं था इसलिए हमको रेट पता नहीं था, वो जो भी व्यापारी बोला था वो रेट फाइनल है। ज्यादातर धान और मक्के की खेती करने वाले किसान के पास अव्वल तो ये जानने का कोई जरिया ही नहीं कि उसकी उपज का क्या भाव मंडियों में चल रहा है, और अगर कोई ये किसान ये जान भी ले तो अपनी उपज को ट्रकों या ट्रॉली में डालकर उसे 250-300 किलोमीटर तक ले जाना उसकी क्षमता के बाहर की बात होती है। ऐसे में कारोबारियों की बताई कीमत ही उसके लिए अंतिम होती है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल कई मक्का किसानों को अपनी उपज रायपुर के कारोबारियों के हाथों न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से भी कम रेट पर बेचना पड़ा। लोकल जो व्यापारी था वो लोग खरीदते थे, हमको रेट 1000 से 1200 का अंदर ही मिलता था, वो ट्रांसपोर्टिंग जो काट पीट के वही रेट हमको मिलता था 1000-1200। चाची लोग हम कहाँ बेचेंगे, यहाँ का लोकल जो सेठ लोग है वो बोलता है कि ये भाव आज खुला है, तो हमको पैसा का जरूरत है, हमको बिकना ही पड़ता है और क्या करेंगे। लेकिन इस साल जनवरी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कंधे पर चढ़कर विकास की ठंडी बयार का एक झोंका पहली बार उड़ीसा के सबसे गरीब और पिछड़े जिले के किसानों तक पहुंचा। जब एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की सब्सिडियरी कंपनी NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड ने मक्का किसानों के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया। अगले साल तो NCDEX वाले ही सब कंप्यूटर का काम वही करते थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट से शायद सप्लाई होगा और यहाँ 3 जो सेंटर है, उमरकोट, झरीगांव, रायघर, यहाँ कंप्यूटर का व्यवस्था होगा। लेकिन NCDEX वालों से बहुत मदद की हम लोगों को और गांव-गांव में भी जा कर के, जो किसानों के पास भी जा कर के हमको साथ दिए और उनके घर में जा कर के हम लोग मक्का का जो ये बेचने के लिए, मंडी में बेचने के लिए उनको उकसाए, तभी जा कर के मंडी में मक्का इतना आया था और बिडिंग भी हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़े पक्षों को उम्मीद है कि इस कदम से किसानों की भागीदारी बढ़ाने और ऑनलाइन मार्केटिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बढ़ाने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की अगुवाई में उड़ीसा
समेकित विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार और NCDEX के बीच हुए समझौते के तहत आयोजित हुई इस नीलामी ने किसानों को पहली बार ये एहसास कराया कि बाजार की ताकत किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। मैं तो यहाँ मंडी में पहली 228 बैग बेच दिया, उसके बाद 600 कितना बैग यहाँ मंडी में लाया था, उसके बाद ऑनलाइन में छोड़ दिया, 1426 रुपया मेरे को मिला। और उसके बाद अभी मंडी बंद हुआ है बोला, इसलिए मैं यहाँ मंडी का माल को और व्यापारी को दे दिया। उतना समय व्यापारी लेता था 1100-1200 में, व्यापारी आदमी लेता था। अभी मैं अगली साल अभी होने से ये मंडी में दूंगा, मंडी में अच्छा लगता है, पैसा भी मेरे को 10 से 15 दिन का बाद में पैसा आ गया मेरा अकाउंट में। हालांकि सच ये भी है कि पिछले साल 2,70,000 टन से ज्यादा के मक्के के उत्पादन करने वाले नवरंगपुर में इस शुरुआत से महज 170 टन मक्के का ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सका। नवरंगपुर जिले के रायगढ़, उमरकोट और झारीगांव प्रखंडों के किसानों के लिए आयोजित इस नीलामी में केवल 45 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद नवरंगपुर का ये ट्रेड किसी क्रांति से कम नहीं, जहां पहले किसान अपनी उपज की गुणवत्ता पर व्यापारियों की राय को अंतिम मानकर उनकी तय की हुई कीमत पर संतोष करने को मजबूर थे, वहां पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों ने अपनी उपज की गुणवत्ता का आकलन भी खुद किया और 1-2-3 नहीं बल्कि पूरे 16 व्यापारियों ने उनकी उपज के लिए बोलियां लगाई। सरकार द्वारा जो पहल की गई उसमें NCDEX ई मार्केट जो था उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था इन फार्मर्स को, ताकि जो एक जो सबसे बड़ा परेशानी है कि रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है उसको हम लोग बढ़ा सकें। तो इसके लिए NCDEX ई मार्केट ने यहाँ पे पहले अवेयरनेस कैंप चलाया था पिछले साल सितंबर 2015 से, और उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कि जो जो मेजर प्रोडक्शन सेंटर हैं इन सेलेक्टेड लोकेशंस में, वहाँ पे जाके हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप लगाया, हम लोगों ने वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किया, जिससे हम लोगों ने इन फार्मर्स को बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म आएगा उस प्लेटफॉर्म से इन लोगों को क्या फायदा होगा। इसी दौरान मक्के का बाजार मूल्य 1325 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे आ गया, जो कि सरकार का MSP था। NEML और उड़ीसा सरकार MSP के नीचे किसानों से मक्के की खरीद नहीं कर सकते थे, लिहाजा बाकी मक्का किसानों को एक बार फिर स्थानीय व्यापारियों को MSP से नीचे भाव पर बेचना पड़ा।